नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरी बाकी की वीडियो की प्ले लिस्ट को भी चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने ब्लू हेवन की काफी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज मैं ब्लू हेवन की लिपस्टिक का रिव्यू भी शेयर करूंगी। आज मैं ये पहली बार आपसे ब्लू हेवन की लिपस्टिक का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहली बार ही ब्लू हेवन की ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक परचेज की है। इससे पहले मेरे पास ब्लू हेवन की कोई भी लिपस्टिक नहीं है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेज की है। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज की थी दोस्तों। ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह ही मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्लू हेवन इंडियन ब्रांड है और इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, मतलब कुछ प्रोडक्ट आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट ठीक ठीक मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में ही ये ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बहुत दिनों के मैं इसे लगा रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब मैं पहले खुद चीज़ों को ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, अच्छी लगती है बुरी लगती है, तो जैसा भी इसका रिव्यू होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पैकेजिंग आप दोस्तों देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, और ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आता है। कैप इसकी ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो। इसमें आपको शेड्स का पता चल जाता है अच्छे से कि कौन सा शेड है आपका। और दोस्तों, इसका जो प्राइस है 200 रुपीज़ है। जी हाँ, ये मुझे 200 रुपीज़ के प्राइस में मिली थी। शेल्फ लाइफ इसकी 24 तक है, तो शेल्फ लाइफ भी इसकी अच्छी है। चलिए इसकी कैप निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हो रोटेट होती है और इस तरीके से ओपन होती है। ब्यूटीफुल ये मैजेंटा कलर है, आप देख सकते हो। मैजेंटा कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शेड मेरे पास था भी नहीं इससे पहले। और ये जो शेड है ना दोस्तों, डस्क स्किन वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका हैंड स्वॉच आपको कर दिखाती हूँ। ये देखिए एक स्वाइप में कितना अच्छा इसका कलर पे ऑफ है। तो आप देख सकते हो शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, और डस्क स्किन वालों को भी ये सूट करेगा। कलर बहुत ही अच्छा लगेगा उन पर भी, तो आप देख सकते हो। और ये ना दोस्तों किस प्रूफ लिपस्टिक है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, काफ़ी देर तक आपके लिप्स पर टिकी रहती है। और ये 10 से 12 घंटे तक आपके लिप्स पर रहती है दोस्तों लिपस्टिक। और ये जल्दी से निकलती नहीं है, ये भी इसकी खास बात है। अगर आपने कुछ ऑयली खाया है ना, तब भी ये हल्की फुल्की आपके लिप्स पर रहेगी। थोड़ा सा इसका फेड हो जाएगा शेड, लेकिन ये फिर भी आपके लिप्स पर रहेगी। बस आपको हल्का सा टचअप करना होगा, तो ये आप देख सकते हो। और दो कोट में इसका ये शेड है, ये आप देख सकते हो। और अगर आपने इसको दोबारा रीअप्लाई करना है, दोबारा लगाना है, तो पहले वाले शेड को सूख जाने दीजिए, उसके बाद ये दोबारा आपने इसका कोट लगाना है। क्योंकि अगर आप एक साथ लगा लेंगे तो ये थोड़ा पैची सा लगने लग जाएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसमें। आपको और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये देखिए, इतनी क्वांटिटी में आपको ये लिपस्टिक मिल जाती है। इजिली आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, और पॉकेट फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है। 200 रुपये में अच्छी लिपस्टिक मिल रही है दोस्तों, काफ़ी देर तक आपके लिप्स पर टिकी रहेगी। इसमें आपको और बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो दोस्तों। मेरा जो शेड है मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको मैंशन कर दूंगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मेरा शेड क्या है। मेरा है 712 नंबर है, बेबी पिंक शेड है मेरा। और दोस्तों इसमें आपको क्वान्टिटी 2.7 ग्राम की मिल जाती है। ये देखिए सभी चीजें यहाँ पर भी मेंशन की गई हैं। तो यस, ये लिपस्टिक मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। इसके बाद मैं इसका ना एक रेड या मैरून कलर भी लेने की सोच रही हूँ, तो मुझे पसंद आई है लिपस्टिक। और डेली में लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, समर के लिए बेस्ट लिपस्टिक है दोस्तों। ये जल्दी से निकलती नहीं है, समर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मानसून के इस वेदर के लिए भी ये लिपस्टिक काफी ज्यादा अच्छी है, और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। और अगर दोस्तों मैं इस लिपस्टिक की खुशबू की अगर मैं बात करूँ ना, तो खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे कैंडी की खुशबू होती है ना, तो वैसे इसकी खुशबू है। मतलब बहुत अच्छी फ्रूटी सी स्मेल है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू है, और इरिटेट करने वाली खुशबू बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ये लिपस्टिक काफी ज्यादा पसंद आई है दोस्तों, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो, सबके लिए ये लिपस्टिक बेस्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल पिंक कलर है, और डे टाइम के हिसाब से भी ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और नाइट टाइम के हिसाब से भी ये कलर बहुत ज्यादा परफेक्ट है, अच्छा है। अगर आपको ज्यादा कुछ लगाने की इच्छा नहीं है, या ज्यादा आप डार्क मेकअप पसंद नहीं करते हैं, या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हो, तो ऐसे में ये ब्राइट पिंक कलर आप यूज कर सकते हो। बहुत ही परफेक्ट है शेड ये। और ये लिपस्टिक स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है, किस प्रूफ भी है ये, आप देख सकते हो। ये देखिए
बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती है लिपस्टिक, आप जितना मर्जी खाइए पिए तो नहीं निकलने वाली है ये लिपस्टिक। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप इसे परचेज कर सकते हो। और लिपस्टिक भी काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, इजिली आपके लिप्स पर लग जाती है और ज्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है इन लिपस्टिक्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का ब्लू हेवन का लिपस्टिक का रिव्यू पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स, टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।